हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लास सेवन चैप्टर नंबर थर्ड डाटा हैंडलिंग। हम लोगों ने मीम्स का कंसेप्ट जो है वो पढ़ लिया है कि मीम्स जो होता है उसको हम साइलेंट रिडंडेंसी भी कह सकते हैं, और जो भी वैल्यू आती है चाहे वो मीम्स की आएगी, चाहे मोड की आएगी, मीडियन की आएगी, वो हमेशा आपका जो गिवन दिया गया हुआ डाटा होगा उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके बीच वाली जो इनकी जो वैल्यू आएगी, चाहे मीन है, मोड है, मीडियन है, उसके बीच वाली वैल्यू ही आती है। इसीलिए हम इसको सेंटर टेंडेंसी भी कहते हैं। सेंटर टेंडेंसी क्यों कहते हैं, समझ लग गया कि मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम बोलो या हाईएस्ट वैल्यू बोल दो, मिनिमम बोलो या लोएस्ट वैल्यू बोल दो, और जो इनके आंसर आएंगे वो हमेशा इनके बिटवीन आएंगे। सबसे छोटी वैल्यू उस डाटा की क्या होगी और सबसे सबसे बड़ी वैल्यू उस डाटा में क्या होगी, जो इधर मीन निकालोगे, मोड निकालोगे, मीडियन निकालोगे, वो हमेशा उसके बीच बीच में ही नंबर आता है, इन दोनों के बीच में ही नंबर आता है, इसीलिए इनको हम सेंटर टेंडेंसी बोलते हैं। आज हमने डिस्कस करना है, पहले मोड को डिस्कस करना है कि एक डाटा के बीच में मोड जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि मोड क्या, कैसे नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल, ए सेट ऑफ नंबर, ये सेट ऑफ नंबर लेते हैं, वन कामा वन कामा टू कामा फोर कामा थ्री कामा टू कामा वन कामा टू कामा टू कामा फोर। जी आपको एक डाटा दिया गया है, इस डाटा में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, सबसे पहले हमें मोड निकालने के लिए क्या करना है, हमने अरेंज करना है डाटा को, अरेंज द गिवन वैल्यूज, द नंबर ऑफ, अरेंज द नंबर्स विद द सेम वैल्यू टुगेदर, विद द सेम वैल्यूज टूगेदर। क्यों कहा गया है ये कि वन वन दो बार आया है तो तीन थ्री टाइम्स आया है, बच्चे वन 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 थ्री टाइम्स लिखना है। हमने अरेंज करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं सेम वैल्यूज टूगेदर लेनी है अरेंज में, जब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। अब टू 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 कितने टाइम्स आया है, वन टू थ्री फोर, फिर थ्री कितने टाइम्स है, ओनली वन टाइम्स है, फिर फोर टू टाइम्स में। तो ये आपने जो सबसे पहले जो डाटा दिया गया होगा, ये जो ऑब्जर्वेशंस है इनको आपने अरेंज करनी है, जब सेम ही सेम नंबर बार बार आएगा तो उसको भी आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। पहले अरेंज किया और अब हमने इसमें ये लिखना है कि वन कितने टाइम्स है, वन टू थ्री, टू कितने टाइम्स आ रहा है, वन टू थ्री फोर, और थ्री वन टाइम सबसे ज्यादा जो टाइम फ्रीक्वेंट मोड जो है इस क्वेश्चन में, जो मोड होगा, मोड ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का जो मोड होगा वो कितना है, इज टू। इतना सिंपल है मोड निकालने का। हम ये भी कह सकते हैं मोड को, बिकॉज ये मोड क्यों आया इसका, बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंट, इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंट, मोर फ्रीक्वेंट मतलब सबसे ज्यादा बार,
frequent. It occurs more frequently than other observations. बाकी जितने भी observations हैं उनसे ज्यादा times 2 ही आया है. Other observations. ठीक है, मोड निकाल क्या करना है. मोड जो है जो सबसे ज्यादा टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन आई होगी बार बार उसी ऑब्जर्वेशन को आपने कह देना है कि वो उसका मोड है. अब मोड की अपनी डेफिनेशन है बच्चे, मोड की डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न करके रखनी है कि अब आपको पता लग गया है. देखो सबसे बड़ी जो सॉरी मिनिमम ऑब्जर्वेशन, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कौन है इस क्वेश्चन में 1, और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन है 4, और जो मोड आया है वो इसके बिटवीन ही आ रहा है ना, इसीलिए सेंटर टेंडेंसी कहते हैं, मोड को भी सेंटर टेंडेंसी कहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट मोड की डेफिनेशन जो है वो आपने याद रखनी है कि व्हाट इज अ मोड. मोड जो है द मोड ऑफ ए सेट. एक सेट में जो मोड है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट अकर, वो जो ऑब्जर्वेशन है द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट अकर मोस्ट ऑफन. बच्चे इसे याद रखना है कि वो वाली ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आई होगी वो उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मोड होगा. ये मोड की डेफिनेशन. ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 अभी डिस्कस किया, एग्जाम्पल नंबर 5 आपने खुद डिस्कस करना है. इसको एक टेबलर फॉर्म में डिस्कस किया हुआ है. ये भी देखना है आपको कि टेबल में मोड को बताना हो तो कैसे बताना है. जैसे आपने पीछे भी टेबल मेन को भी आपने टेबल फॉर्म में बनाया. और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमने डिस्कस करना है कि मीडियन क्या होता है, मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं. मोड पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया, मीन सेंटर टेंडेंसी जो मीन है कि उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने देखा. फिर दूसरे नंबर पे अभी आपने क्या देखा, मोड को कैसे किसी डाटा के अंदर मोड बताना हो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्कस किया. अब थर्ड नंबर पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे मीडियन क्या हो, मीडियन को कैलकुलेट कैसे करना है गिवन डाटा में से. आपके पास एक डाटा दिया गया है, एग्जाम्पल लेके इसे डिस्कस करते हैं 101, 102, 106, 109, 110, 110, 112, 115, 115, 1, 2, 3, 4, 5 times higher. Okay, next 117, 120, 120, 123, और 125. बच्चे आपको एक डाटा दिया गया है, हमने इस डाटा को पहले ही अरेंज करके लिख दिया है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसे अरेंज कर दिया है. जो भी आपके पास डाटा होगा पहले, सबसे पहले उसको आपने उस डाटा को अरेंज करना है, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मीडियन को कैलकुलेट करना है. अब सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो कितनी है,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई? 17 आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपने अभी कैलकुलेट किया, वो कितनी है? 17 है। आप सोचो कि जी एक फुटबॉल की टीम की हाइट है, हाइट ऑफ द प्लेयर्स, लेट करते हैं एलईडी, लेट ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन दी गई है, द गिवन ऑब्जर्वेशन हम इसको क्या मान लें? लेट द गिवन ऑब्जर्वेशन बी द हाइट, हाइट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। कौन है? एक बच्चे की हाइट है 101 सेंटीमीटर है, दूसरे बच्चे की 102 सेंटीमीटर हाइट। ये हाइट का मेजरमेंट हम लेट करते हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं, ये एक फुटबॉल के प्लेयरों की हाइट नाप के हमने नंबर दे दिए हैं, और वो हाइट जो है वो हमने सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया, हाइट ऑफ द प्लेयर, हाइट यूनिट क्या लिया है हाइट मेजर करने का? सेंटीमीटर। अब आपको दो टीम्स बनानी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं? नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं? 17। इधर से आपने दो टीम्स बनानी है। आपको पता है खेल तभी पॉसिबल है जब सेम नंबर ऑफ दो ग्रुप बनाओगे, तो सेम उसमें भी नंबर ऑफ प्लेयर सेम होने चाहिए, पहले ग्रुप में भी सेम होने चाहिए और दूसरे ग्रुप में भी सेम होने चाहिए। लेकिन आपके पास तो नंबर ऑफ जो टोटल प्लेयर हैं वो कितने हैं? 17 है। तो 17 को चलो यदि 16 होता तो 8 प्लेयर दे देते हम एक ग्रुप को और 8 दूसरे ग्रुप को दे देते, तो टीम हमारी फिट हो जानी थी। लेकिन इधर है ही हमारे पास 17 है, तो अब इधर टीम फिट करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएं जिससे जो है वो नंबर ऑफ प्लेयर्स इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले एक कितने हैं टोटल 17 को छोड़ो, 17 से पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इधर उधर, ठीक है, और 1, 2 इसे छोड़ दो, इसके आगे दोबारा कैलकुलेट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यदि हम इस प्लेयर को नहीं मतलब इधर रोक के रखें, एक हमने बना दिया, इसमें गड़बड़ हो गया, ठीक है, इधर से जो ये जो ग्रुप बन रहा है, ये जो प्लेयरों की हाइट का एक ग्रुप जे बन गया, और इधर से एक ग्रुप इधर बना लेते हैं। मेरी बात समझ लग रही है? हमने दो ग्रुप बना रहे हैं, किसके? फुटबॉल प्लेयर के दो ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो हमने इक्वल बांटने हैं। 8 उधर हो गए, 8 इधर हो गए, इसको कह देते हैं भैया तू क्या बन जा? रेफरी, उनको खिलाने वाला, है ना? मेरी बात समझ लग रही है कि जब हमने डाटा को अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और जब हमें पता है कि नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं? 17 है। तो आपको पता 17 को तो हम आधा आधा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 17 के पीछे 16 नंबर ऑफ प्लेयर होंगे, तो उसको हम दो ग्रुप इक्वल हम बांट सकते हैं। तो हमने इसको बना दिया भाई तू रेफरी, तू मार सीटियां इनको, इनको इनके साथ मतलब इनको खिला, और जो भी फाउल होता है सीटी मार के उनको रोक दो भाई, फाउल हो गया, है ना? तो जो मीडियन आएगा इस डाटा में, जो मीडियन आएगा वो 115 आएगा, द मीडियन। हमने बस एक यही कैलकुलेट, द मीडियन ऑफ द अबव डाटा, जो ऊपर डाटा दिया गया है, द मीडियन ऑफ द अबव डाटा वो क्या होगा? विल बी 100। अब देख लो, सबसे
मिनिमम वैल्यू कितनी है इस डाटा में 101, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इस डाटा की 125, और जो मीडियन आ रहा है वो बीच वाला नंबर ही आ रहा है ना, इनके बिटवीन आ रहा है ना, इसलिए इसको भी सेंटर टेंडेंसी कहते हैं। ये है आपका मीडियन कैलकुलेट ऐसे करते हैं। आपको सबसे ज्यादा इजी जो है मीडियन और मोड ही लगा होगा कि कैसे, सिर्फ अरेंज करो उसे उधर देखो, मोड को तो आपने ये देखा कि जो ज्यादा बार आता है नंबर वो मोड हो गया, उधर आपने आसानी से बता दिया। इधर जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं मीडियन में, तो इधर आपने आधे उधर बांटे आधे उधर बांटे, जो बीच में रह गया उसको आपने मीडियन कैलकुलेट कर दिया। ये कंसेप्ट था मीडियन का कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ठीक है बच्चे, ये था मीडियन। अब एग्जाम्पल नंबर 7, जरा बुक पढ़ो, अपना बुक से क्वेश्चन पढ़ो, और उसमें कहा गया है फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। आपको डाटा दिया गया है उसमें मीडियन कैलकुलेट करो। सबसे पहले अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, उस डाटा को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके मिडल में जो मिड में जो टर्म जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो उसका मीडियन होगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई आज? 3.2। 3.2 को अब हम अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन सभी बच्चे बुक से ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं, आपने खुद क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं और स्टेप बाय स्टेप आंसर फिर कॉपी पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट, एक टेस्ट होता है मैथ का टेस्ट होता है, सब्जेक्ट मैथ है, और आउट ऑफ नंबर कितने में से नंबर आउट ऑफ कितने में से नंबर आ रहे हैं 25 में से नंबर आ रहे हैं। एक टेस्ट होता है मैथ का और आउट ऑफ 25 में से नंबर है, और कितने स्टूडेंट्स हैं 15 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने हैं क्वेश्चन में दिया गया है 15 है। आपको कहा गया है क्वेश्चन में फाइंड मोड निकालना है एंड मीडियन निकालना है, मोड एंड मीडियन। और मोड एंड मीडियन ऑफ द ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का मोड और मीडियन निकाल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है सॉल्यूशन में, क्या करना है अरेंज कर दो, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर दो। ठीक है, और जो मोड मीन हो गया कि जो नंबर बार बार आया होगा मोड इक्वल टू उसके इक्वल हो गया, और मीडियन जो उसके सेंटर में आधे ग्रुप उधर बांट देने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक तरफ दो ग्रुप बनाने ऑब्जर्वेशन के, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दोनों ग्रुपों में सेम करना, जो बीच में टर्म होगी वो मीडियन हो जाए। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, और एक और पार्ट पूछा हुआ है आर दे सेम। जब आप मोड निकालोगे क्वेश्चन में, जब आप मोड को कैलकुलेट करोगे और मीडियन को कैलकुलेट करोगे, तो क्या उनकी जो आंसर इधर आ रहा है क्या वो दोनों सेम है? ये भी आंसर देना है, आर दे सेम, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? यदि एक जैसे होंगे तो आप जैसे लिख देना, यदि एक जैसे नहीं होंगे तो नो लिख देना। ठीक है, समझ लग गया? सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, डाटा को ध्यान से पढ़ना है, और फिर क्या निकालना है वो आपको पता है। मोड निकालना हो तो कैसे करते हैं, मीडियन निकालना हो उसे आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, बुक से क्वेश्चन पढ़ना है, हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करो। जितनी देर तक आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ नहीं आ पाएगा, इतनी देर तक आप उसको उसका सलूशन निकालने में सक्षम नहीं हो सकते। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन का हर वर्ड समझने की कोशिश करनी है, हर एक वर्ड।
सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच होता है उसमें स्कोर दिए गए हैं और नंबर ऑफ 11 प्लेयर के स्कोर्स दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ प्लेयर इसमें 11 है और स्कोर एक, चलो रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन में आपको स्कोर दिए गए हैं 11 प्लेयर के जो स्कोर हैं, ओके काउंट कर लो कितने प्लेयरों के स्कोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर जो हैं जिन्होंने पहले बैटिंग की है उनके स्कोर जो हैं वो आपके सामने हैं। ओके फाइंड द मीन, इस क्वेश्चन में पहले आपने मीन निकालना है, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, और फिर आ गया क्वेश्चन क्या ये तीनों आर द थ्री सेम, जो इनके आंसर आएंगे पूछ रहा है आपसे क्या वो सेम है, उनकी वैल्यू सेम है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन जब आप लिखोगे क्वेश्चन लिखने के बाद में, तो सबसे पहले इनको अरेंज कर दो डाटा को, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर करो कि डिसेंडिंग ऑर्डर करो वो आपके ऊपर है, फिर मेन का फार्मूला, सबसे नंबर पहले मेन लिखो, मेन का फार्मूला आपको पता है, मेन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, इन सभी नंबरों को लो जो आपने अरेंज करके पहले अरेंज किए हैं, अरेंज में जो लिए हैं उन सभी को प्लस प्लस में लिखो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ उधर उधर से कैलकुलेट कर लो मेन। मोड आपको पता है जब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है तो जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम नंबर ऑफ अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली होगा जो नंबर, तो वो आपका मोड हो जाएगा। मीडियन जब आपने 11 है तो इसमें दो ग्रुप बनाने हैं तो सेंटर में जाना है, 5 एक तरफ प्लेयर करो, 5 एक तरफ करो, बीच में जो नंबर होगा वो इसका मीडियन आ जाएगा। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेट इन 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, वेट दिया हुआ है एक क्लास में, एक क्लास के स्टूडेंट्स का वेट जो मेजर करके वो दिया गया है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में फिर उसके ऊपर सोचना है कि उसमें आपको क्या निकालना है। आप लोगों को दिमाग में जैसे बच्चे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग अपने दोस्त के पास जहाँ अपने नानी घर जा रहे हो, तो भाई नानी घर जाने के लिए जो तैयारी करके जाना है आपने, टूथब्रश डालना है, अपना 2-3 ड्रेसेस डालनी है, शूज डालने हैं, तो एक परफेक्ट तैयारी करके जाते हो, उसी तरह से आप लोगों को जब भी क्वेश्चन में ये देखना है कि निकालना क्या है, सबसे पहले उस जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद में आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि आपने निकालना क्या है, ठीक है, फिर ये देखना कि उस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया गया है, तो जब आप लोगों के पास गिवन का भी पता चल जाएगा, निकालना क्या है ये भी पता चल जाएगा, और निकालना कैसे है वो मैंने आपको सिखा दिया, तो फिर आप वो ईजी नहीं हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड वेट इन केजी में दिया हुआ है 15 स्टूडेंट्स का, तो चलो डाटा लिख लेते हैं, 38 केजी, 42 केजी, 35 केजी, 37 केजी, 45 केजी, 50 केजी, 32 केजी, 43 केजी, 43 केजी, 40 केजी, 36 केजी, 38 केजी, 43 केजी, 38 केजी एंड 47 केजी, जी आपको वेट इन केजी में दिया हुआ है, एक क्लास के स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं,
वो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 दिए गए हैं। नंबर ऑफ इक्वल टू 15। तो आपको मोड और मीडियन निकालने के लिए कहा गया है। आपको पता है मोड कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं, सभी क्वेश्चन में एक ही जैसा आपने मेथड फॉलो करना है। ओके, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में कह रहा है इज देयर मोर देन वन मोड, इज देयर मोर देन वन मोड, मोर देन इज देयर मोर देन, मोर मतलब ज्यादा है, एक मोड से क्या, इज देयर मोर देन वन मोड। तो बच्चे इस पार्ट में आप लोगों ने ध्यान से इसका आंसर जो है, पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या इज देयर मोर देन वन मोड, क्या इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा मोड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको पता है कि मोड क्या होता है, कि कितने बार जो ज्यादा टाइम्स नंबर आता है। तो यदि दो दो नंबर जो एक जैसे आ रहे हैं कि वो भी 4 टाइम्स हुआ है आकर, वो भी 4 टाइम्स हो रहा है, तो फिर आपके दो मोड हो जाए, ठीक है, समझ लग गया। तो इसीलिए एक क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका आंसर ऐसे देना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा, डेटा दिए गए हैं, मोड और मीडियन कैलकुलेट करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम है, मोड और मीडियन जो है वो आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं, ट्रू और फॉल्स अच्छी तरह से इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स, बच्चे ए ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 जो स्टेटमेंट है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर, पहले स्टेटमेंट को समझो, जो मोड निकालते हो आप किसी भी गिवन डाटा का, उसकी ऑब्जर्वेशन में से ही वन ऑफ द नंबर, कह रहा हूं उसी में से जो डाटा आपको दिया गया होता है उसी में से ही एक नंबर होता है ना मोड। अभी हमने कैलकुलेट किया कि उसी में से एक नंबर होता है, इसीलिए ये ट्रू है। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है आपको, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। बच्चे इसे ध्यान से देखो, आपने पीछे 3.1 एक्सरसाइज में कितने सारे मीन्स निकाल दिए, जो मीन्स का जो नंबर आता है निकाल, जो आंसर आता है मीन का कैलकुलेट जब हम करते हैं, क्या वो उसी डाटा में से नंबर आया कभी? कभी नहीं, उसी डाटा में से कभी नहीं आता, ये फॉल्स। उस डाटा जो ऑब्जर्वेशन दी गई होती है उस ऑब्जर्वेशन में से वो उसकी वैल्यू नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टेटमेंट ध्यान से देखो, द मीडियन इज ऑलवेज, ये भी बिल्कुल सही है, जो मीडियन होता है वो उसी डाटा में से ही एक नंबर होता है। मीडियन ये जो थर्ड नंबर पे है इसका आंसर भी ट्रू आएगा। ओके, आपको फोर्थ नंबर पे डाटा दिया गया है 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9। अब इसका मीन कैलकुलेट करना आपको आता है कि जो मीन होता है इन सभी को प्लस करो, 13 + 9 कितना हो गया बच्चे, 22 में 12 प्लस करो 34, 34 में 9 प्लस करो
34 में 9 प्लस किया 43 में 8 प्लस करो, 43 में 8 प्लस किया 51 में 3 प्लस करो 54 में 4 प्लस करो 58 में 6 प्लस करो 64। तो ये 60 सम सभी को प्लस करके आपने सीधा 64 लिख दिया। काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के साथ कैलकुलेट करो, इसे जब आपने कट किया आपका, सॉरी 8 8 60, आपने जब कैलकुलेट किया तो मीन आ गया 8। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है मीन इज 9, इसीलिए ये आपका ट्रू है कि फाल्स है, ये फाल्स है। ये थे बच्चे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे 3.2। सभी बच्चे अच्छा होमवर्क करेंगे, फिर कॉपी पे स्टेप्स जितने भी लिखने हैं, जिस तरह से भी क्वेश्चन का सलूशन जो स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, ध्यान से एग्जांपल आप लोग समझोगे करोगे, एग्जांपल की तरह ही आपने सारे के सारे सलूशन लिखने हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।